कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे और हमारे चैनल की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है और कुछ ही देर में पीएम मोदी लाल किला पर झंडा फहराने वाले हैं और राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच 15 अगस्त को पीएम कई बड़ी घोषणा करने वाले हैं और वो क्या होंगी, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज के मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे आज स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा और कैसा होगा आज लाल किले का नजारा। साथ ही बताएंगे 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान, हर नागरिक के लिए होगा जरूरी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को थी अपने वालों की चिंता, तो प्रशासन ने बदल डाला नियम। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। पाकिस्तानी सेना के बिगड़े बोल, भारत 5 राफेल लाए या 500, हम तैयार है। गुड न्यूज, सिर्फ गरीब ही नहीं, अब ये लोग भी उठा सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ। साथ ही बताएंगे रोजाना 7 रुपए की बचत से महीने में पा सकते हैं 5000 तक पेंशन, जाने कैसे करे आवेदन। वहीं सिगरेट्स और पान मसाला के शौकीनों के लिए बुरी खबर, बढ़ सकता है सेस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में घंटी का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कन्फर्म केसों का आंकड़ा 24,61,542 के पार हो चुका है और 48,153 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 17,51,846 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,57,495 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,10,74,199 कन्फर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत कुछ अलग होने वाला है। लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। जानकारी है कि पीएम लाल किला पर तिरंगा फहराने के लिए सुबह 7:21 पर पहुंचेंगे। सूत्रों ने कहा है कि पीएम सुबह 7:30 झंडा फहराएंगे और 45 से 90 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले ध्वजारोहण की रस्सी हैंडल करने वाली सैन्य महिला ऑफिसर का कोरोना टेस्ट होगा। लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम में वही जवान होंगे जिन सबके कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं या फिर उन्होंने कोरोना को हराकर वापसी की है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह थोड़ा छोटा होगा। इस बार भी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, जिसमें करीब 22 जवान और ऑफिसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और ऑफिसर्स होंगे, साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। वही स्वतंत्रता दिवस समारोह में सलामी देने वाले जवानों को एहतियातन पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्टाफ को मौखिक तौर पर भी आदेश दे दिया गया है। पीएम के करीब जाकर फोटो लेने वाले फोटोग्राफर्स का भी कोरोना टेस्ट हो चुका है। एजेंसी और सरकारी मीडिया को छोड़कर किसी भी प्राइवेट मीडिया के कैमरे नहीं होंगे। लाल किला के रेमे पैड पर इस बार सिर्फ 110 VVIP और VIP मेहमान होंगे, जबकि पहले करीब 400 मेहमान हुआ करते थे। सभी सुरक्षा कर्मियों के रैपिड कोरोना टेस्ट लाल किला के अंदर किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ये टेस्ट कर रहा है। समारोह में इस बार नीचे फोरग्राउंड पर स्कूली बच्चे नहीं होंगे, अब केवल NCC के 500 बच्चे होंगे। इनके बीच 6 फीट की दूरी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बड़ी खबर, पीएम जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की भी तैयारियां कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश के नागरिक के हेल्थ कार्ड डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा आधार कार्ड की तरह ही हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार होगा। इस डेटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। इससे होने वाले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगा। इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। वहीं राजस्थान विधानसभा में सचिन पायलट की सीट को लेकर विवाद हो सकता है। दरअसल विधानसभा में सचिन पायलट की सीट बदल दी गई। उन्हें निर्दलीय विधायकों के साथ बैठाया गया। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गैलरी में लगी कुर्सी पर बैठाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जानबूझकर सचिन पायलट के खेमे को अलग थलग किया गया। विधानसभा में बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, आज मैं सदन में आया तो देखा मेरी सीट पीछे रखी गई। मैं आखिरी कतार में बैठा हूँ। मैं राजस्थान से आता हूँ जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर सबसे मजबूत सिपाही तैनात रहता है। मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ सरकार सुरक्षित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बालों के चक्कर में बदलवा दिया बड़ा नियम। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बालों को लेकर चिंतित है। राष्ट्रपति का कहना है कि मौजूदा शावर नियमों के चलते उन्हें अपने बाल धोने में परेशानी होती है। ट्रंप कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, लिहाजा अब नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बालों को लेकर भले ही सवाल उठाए जाते हैं कि वो असली है या नकली, लेकिन ट्रंप को अपने बालों से बहुत प्यार है और उनके इसी प्यार के चलते पानी की बर्बादी रोकने के लिए लागू किए गए शावर वाटर प्रेशर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बाल धोने की समस्या को लेकर ट्रंप ने कहा, आपका तो नहीं पता लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल परफेक्ट हो। वहीं आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब ये योजना सिर्फ गरीबों को ही नहीं बल्कि इसका फायदा हर वो नागरिक ले पाएगा जो गरीबी रेखा के ऊपर है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार आयुष्मान भारत के जरिए देश के 10.75 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलैश कवर देती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अब इस योजना को द मिसिंग मिडिल यानी कि जिन तक ये स्कीम नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने के लिए हरी झंडी दे दी है। आयुष्मान भारत योजना के इस विस्तार से बड़े पैमाने पर उन लोगों को फायदा होगा जो अनियमित सेक्टर्स में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर छोटे मोटे उद्योग धंधों से जुड़ी कंपनियों में काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसलिए वीडियो के साथ बनी रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। दिल्ली NCR समेत देश के कई क्षेत्रों में बुधवार से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी पर राहत भी मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर जलभराव से दिक्कतें भी हो रही हैं। उधर मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी करते हुए पूर्वानुमान लगाया है कि देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में बहुत भारी से भारी स्तर की बारिश होने वाली है। विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और भारत के मध्य भागों में भी अगले 4 से 5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं देश भर में पेट्रोल के दाम लगातार 47वें दिन और डीजल के दाम लगातार 15वें दिन स्थिर रहे। IOC, BPCL और HPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। IOCL की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम क्रमशः 80.43, 82.05, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है, तो वही डीजल 73.56, 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WHO ने खोली रूस की पोल। जी हाँ, WHO और उसके पार्टनर्स ने कोवैक्स के जरिए जिन 9 प्रायोगिक वैक्सीन को शामिल किया गया है उसमें रूस की वैक्सीन का नाम नहीं है। कोवैक्सीन के जरिए इसके सदस्य देश किसी भी वैक्सीन को जल्दी पाने के लिए निवेश कर सकते हैं और गरीब देशों के लिए वैक्सीन की फंडिंग भी कर सकते हैं। WHO के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस ऑयलवर्ड ने कहा, हम रूस की वैक्सीन पर कोई निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इस पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। फिलहाल
फिलहाल हम रूस के साथ बातचीत कर और जानकारी जुटाने में लगे हैं ताकि उसकी वैक्सीन ट्रायल और उसके अगले कदम के बारे में समझा जा सके। WHO पहले भी रूस से अपनी वैक्सीन की समीक्षा करने को कह चुका है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े हुए 2 महीने हो गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और इस मामले में CBI को जांच देने को लेकर काफी समय से मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर एक्टर को न्याय दिलवाने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है। इसमें अब सुशांत के फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी सामने आए हैं। स्टार्स जैसे कि कृति सेनन, वरुण धवन, मौनी रॉय संग अन्य CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट लिखा, इसके जरिए उन्होंने CBI जांच की मांग। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर #CBI4SSR लिखा। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए सुशांत केस में न्याय के लिए गुहार लगाई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाक के बिगड़े बोल। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की ताकत मिलने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, भारत 5 राफेल ले आए या 500, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, भारत राफेल ले आए या S-400, हम इस सबसे डरने वाले नहीं, हम पूरी आक्रामकता से जवाब देने के लिए तैयार है। डॉन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इस बयान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट का जवाब माना जा रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं, वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं, उनकी हालत अभी भी स्थिर है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिषेक मुखर्जी ने कहा है कि 96 घंटे की निगरानी अवधि आज समाप्त हो रही है। मेरे पिता के महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं और वो बाहरी उपचार का जवाब दे रहे हैं। मेरे पिता ने हमेशा ही कहा है कि मैंने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा भारत के लोगों ने मुझे दिया, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल पेंशन योजना में आप रोजाना 7 रुपए के निवेश में बुढ़ापे में हर महीने 5,000 रुपए तक पा सकते हैं। इस योजना में आपको 20 साल तक निवेश करना होगा। अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी शख्स ले सकता है। इसके लिए उसकी उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत कम से कम 20 साल के लिए निवेश करना होगा। योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 व 10,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना के तहत आप मंथली, क्वार्टरली या फिर 6 महीने की अवधि में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए पैसा आपके अकाउंट से काटा जाएगा। वहीं सिगरेट और पान मसाला के शौकीनों के लिए बुरी खबर। जी हाँ, इसी महीने संभवत GST काउंसिल की मीटिंग में सिगरेट और पान मसाला पर सेस बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस मीटिंग में कंपनसेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही कंपनसेशन फंड को बढ़ाने के लिए 3 शीर्ष सुझावों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सरकार को काफी कम GST कलेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से कमाई भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सरकारी खर्च भी पूरे नहीं हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार पान मसाला पर 100% सेस लगाया जा सकता है, यानी सिगरेट और पान मसाला जल्द महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए इस घंटे को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।